शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर जिले को दो बड़ी सौगात देंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही बायोमिथेनाइजेशन प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। तो वहीं एक कार्यक्रम के दौरान सीएम कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का अभिनंदन भी करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर आ रहे हैं। अपने इंदौर प्रवास के दौरान सीएम चार कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें दो बड़ी सौगात इंदौर जिले को मिलेगी। जिला प्रशासन ने सीएम के इंदौर प्रवास को लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। सीएम करीब 237 करोड़ की लागत से निर्मित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएनजी गैस प्लांट के लिए सीएम भूमि पूजन भी करेंगे। यह प्लांट इंदौर के पर्यावरण को बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। सबसे जो प्रमुख प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ है। लगभग 237 करोड़ की लागत से बना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है केंद्र सरकार की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये सुरक्षा योजना के तहत इसमें राशि दी गई थी और इस अस्पताल का निर्माण पूर्ण हुआ है। इसके अलावा एक इंदौर में ILFS कंपनी और जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ में PPP मॉडल पे 150 करोड़ का बायोमिथेनेशन प्लांट लगाना चाहती है। इसमें बिडिंग प्रोसेस नगर निगम द्वारा की गई थी अभी और उसमें उसका चयन हुआ है। उसका भी भूमि पूजन करेंगे ट्रेंचिंग ग्राउंड में, जो एक केवल मात्र 20-25 मिनट का कार्यक्रम रहेगा। चूँकि 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट PPP में हो रहा है, जिसमें नगर निगम से और राज्य सरकार से कोई भी राशि खर्च नहीं हो रही है, और वो लगभग 500 मेट्रिक टन से अधिक गीला कचरा शहर का, उसको CNG में कन्वर्ट करेगा। CNG में कन्वर्ट करके वो CNG का उपयोग 5 रुपये प्रति किलो या प्रति लीटर जो है वो कम दर पे यहाँ की बस कंपनी के बस ऑपरेटर्स को देंगे, और सारी बसें हमारी जो हैं यहाँ सिटी बस की वो CNG से ऑपरेटिव हो सकेंगी कम सस्ती दर पे, जो ये इस बायोमिथेनेशन प्लांट से निकलेगी। एक अन्य आयोजन के तहत सीएम नगर निगम द्वारा तैयार किए गए एक STB प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही कोरोना संकट के दौरान विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग पर सीएम उनका अभिनंदन भी करेंगे। इन सभी आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चार कार्यक्रम होंगे, एक नगर निगम का कुमेड़ी में भी है, वहाँ पर पानी की लाइन्स, टंकी और फीडर नेटवर्क को लेकर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पानी, बेसिक अधोसंरचना में आता है, वहाँ पर भी एक कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री वहाँ भी सीमित संख्या में अनुमति दे रहे हैं। और एक जो कोरोना काल में विशेष तौर पर लॉकडाउन के दौरान जिन सामाजिक संगठनों या व्यक्तियों ने इस शहर को सहयोग दिया था कि लॉकडाउन प्रभावी रहे, प्लस जो महाराष्ट्र तरफ से जो लेबर आ रही थी, उन जो बाईपास से गुजरी थी, उनको जो सपोर्ट किया था, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया है अभय प्रशाल में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अच्छे नागरिकों को यहाँ के, जिन्होंने उसमें एक शहर को अपना मान के सहयोग दिया था, उनको सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल सीएम के चार आयोजन तय हैं, अंतिम समय में कुछ और आयोजन जुड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।